कहा गया है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे 9*7 बराबर क्या है, 32 है, 13*7 बराबर क्या है, 120 है, और 17*9 बराबर 208 है। उसी प्रकार क्या है कि 19*11 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर हम गुणा करें 9 त्रिक क्या क्या हो जाएगा, 9 * 9 = 63 हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर होगा नहीं। तो आप दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे हम कि पहले क्या करते हैं, 9 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 दिख रहा है कि नहीं रेड वाला। ठीक है, और 7 का भी वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 * 49 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो 11 से 9 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 32 हो गया। इसी प्रकार से अब इसको भी देखते हैं हम लोग, 13 * 13 = 169 होता है। ठीक है, कितना होता है, 169 होता है, 7 * 7 = 49, इसमें से घटा देंगे क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग करना होगा, तो 17 का वर्ग कितना होता है, 217 * 17 7 * 7 = 49 7 * 7 = 11 क्या हो जाएगा, 7 * 1 हो जाएगा 9 * 8 = 2 289 माइनस क्या हो जाएगा, 81 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 8 और 8 में से 8 गया 0 और 200, यानी कि ये पैटर्न जो है आपका सही होगा। अब क्या करेंगे हम, 19 का करेंगे, 19 का वर्ग कर देंगे, 9 * 9 = 81 9 * 9 = 9 9 * 8 = 17 फिर 9 और 1 ठीक है, क्या हो जाएगा 1 * 9 = 7 = 16 और 1 * 1 = 2 = 3 361 हो जाएगा। 361 में से 11 का स्क्वायर जब करेंगे तो 121 होता है, घटा दीजिए 0 4 और 2 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 240। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 240 है, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है ये सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, इसको देखने के बाद आप लोग हो सकता है कोडिंग करने लगे, लेकिन रीजनिंग में क्या होता है देखिए ना कि हर बार एक ही जैसा नहीं होता है, हमेशा दिमाग बदलता रहता है इसमें। अब करेंगे क्या, देखिए इसमें जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें दिमाग कौन सा लगाएंगे, पहले इन नंबरों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, कितने हो गए, 9 अंक हो गए। ठीक है, और 9 में किसका हम गुणा करें कि 54 आ जाए, ठीक है, तो हम गुणा करेंगे 6 का, 9 * 6 कितना होता है, 54 हो जाएगा। इसी प्रकार से जनवरी देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 7 हो गया, 7 में कितना गुणा करें, 6, इसमें 6 का गुणा किया तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे और देखेंगे 42 आ गया हमारा, 6 * 7 = 7 = 42 हो गया। ठीक है, अब दिसंबर में आ जाइए, दिसंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 * 6 = 48 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी ये पैटर्न एकदम पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या लगाएंगे, देखेंगे करेंगे हम, देखिए जैसे यहाँ पर 9 * 6 किए, 7 * 6 किए, यहाँ पर 8 * 6 किए, क्योंकि इनके अंकों का मतलब इनका जो लेटर्स है इसमें 9 लेटर्स है, इसमें 7 लेटर्स है, इसमें 8 लेटर है। अब इसको अगस्त को देखेंगे, अगस्त में क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 लेटर हो गया, 6 में कितने गुणा करेंगे, देखिए सब में 6 का गुणा किए हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम, 6 का गुणा कर देंगे, 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग में क्या होता है कि हर बार ऐसा नहीं है कि आप लेटर्स के मतलब कि ध्यान दीजिए कि किस अंक पे आता है, जैसे 26 लेटर होते हैं तो हर बार इसको वैसे नहीं गिनना है, खुद का भी दिमाग यूज करना है कि नहीं इसमें क्या ऐसा किया जाए कि जो कि आसानी से हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 23 * 5 = 27 13 * 8 = 20 तो हो तो 29 * 6 = क्या होगा। अगर 23 का हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 23 का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 का गुणा हम अगर करेंगे तो क्या होगा, 27 तो कभी नहीं आना है। ठीक है, 23 का गुणा करने में 27 तो कभी नहीं आना है। अब वैसे गुणा करते हैं, देखिए अगर इसका भी गुणा करें 5 * 3 = 15 15 * 2 = 30 हो जाएगा, तब भी 27 नहीं आएगा। 8 * 3 = 24 24 * 1 = 25 तो भी नहीं आना है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर दिमाग कौन सा लगाएंगे हम, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 23 में 5 हम जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा, 23 5 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 5 28। देखिए हर बार गुणा का मतलब गुणा नहीं होता, रीजनिंग का मतलब रीजनिंग है, तो रीजनिंग में कोई सा भी चिन्ह लगा कर, कोई भी तर्क लगा कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग बहुत टेंशन में है आज, बहुत ज़्यादा। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 28 हो गया, 28 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 27 हो गया। अब ये सेम पैटर्न हम यहाँ पर लागू करेंगे, 13 है, 13 में 8 जोड़ देंगे अगर, तो 13 8 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी 27 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। सेम पैटर्न हम यहाँ पर हम लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 29 है, 29 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 35। और 35 में से हम एक घटाएंगे, जैसा कि इसमें से हम घटाए हैं, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है।